एवरीवन, कभी कभी हमारे गार्डन में बहुत सारा एलोवेरा हो जाता है और हम इधर उधर अपने पड़ोसियों को भी गिफ्ट करते हैं, फिर भी हमारे पास बहुत ज्यादा एलोवेरा हो जाता है, तो हम समझ नहीं पाते कि हम उसको उसका क्या यूज करें। तो आज मैं इसका एक यूज कर रही हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूंगी और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि आज मैं एलोवेरा का एक मैजिकल सोप बनाने जा रही हूँ जो कि हमारे स्किन के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा और स्किन को ग्लो करेगा और काफी अच्छा है। एलोवेरा की बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज तो इतनी ज्यादा हैं कि इसकी लिस्ट भी कम पड़ जाएगी, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है ये हमारे फेस के लिए, इवन कि हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आज फिलहाल हम इसका बाथ सोप बना के आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अपना सोप बनाते हैं। इसके लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी, जैसे ये हमारा सोप बेस है, ये 400 ग्राम है, और एलोवेरा एक पत्ती को मैंने ऐसे काट लिया है एलोवेरा लीफ को, और इसको भी काटूंगी, और ये नीम लीफ है, इसको हम यूज़ करेंगे। वो हम कलर को नहीं यूज़ कर रहे हैं, फूड कलर को हम इसकी जगह पे नीम की पत्ती का यूज़ करेंगे, ये हमें कलर भी देगा और एंटीबैक्टीरियल भी होगा हमारे सोप के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये विटामिन ई के कैप्सूल, ये हमें दो लेने हैं, ये हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी रिंकल और कोई दाग धब्बे अगर इस फेस पे हैं तो ये बहुत उसके लिए लाभकारी होता है। तो ये हो गया है, और इस तरह के हमें इसके लिए हमने सिलिकॉन की वो नहीं खरीदी है, सोप केस जो होता है हमने खाली इसमें हम बनाएंगे, डिस्पोजल लिया है मैंने और एक ये सोप केस का पार्ट है ये लिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये सोप बेस है, सोप बेस खरीदने का लिंक मैं उसमें डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ पर जाके ले सकते हैं उसको। बट अगर आपके पास ये नहीं है और आप वो भी नहीं मंगाना चाहते हैं तो आप पियर साबुन का यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे, सोप बेस की जगह पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एलोवेरा लीफ को ऐसे इसकी ऊपरी लेयर को हटा देना है, ये हटा दिया हमने ऐसे, और इसका ये पल्प ऐसे निकाल लिया है, एलोवेरा का पल्प पूरा। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के हम इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करेंगे, पहले हम मैं ये इसको काट लेंगे, सोप बेस को छोटे छोटे से क्यूब्स में हम काट लेंगे, जितना छोटा ये कटेगा उतनी जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा। बहुत ही स्मूथली कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हमने 400 ग्राम लिया है, अब हम इसको डबल बॉयलर मेथड से इसको हम हीट करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे। ये एक कढ़ाई में पानी भर लिया है और उसको हमने गैस जला के गर्म कर दिया है, और इसके अंदर एक छोटा बर्तन रख के जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये जलेगा नहीं और बड़े आराम से ये मेल्ट हो जाएगा। जब तक ये मेल्ट होता है तब तक हम
तक ही मेल्ट होता है तब तक हम ये ग्राइंड कर लेते हैं अपना एलोवेरा। देखिए हमारा ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है एलोवेरा एकदम बढ़िया से। इसको हम रखेंगे। अब हम इसका यूज़ कर रहे हैं नीम की पत्ती का, तो हम इसका भी थोड़ा सा जूस निकालने के लिए इसको क्रश कर लेंगे। कलर आ जाएगा। हमने ग्राउंड की ग्राइंड किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें नीम की बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है जो हमने कलर के लिए ऐड करा है। इसमें हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया है और ना ही कोई केमिकल, तो ये बिना किसी केमिकल के हम अपने घर में खुद ही तैयार कर रहे हैं और तैयार करके यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी कीजिएगा ऐसे, बहुत आराम से ये बन जाता है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इनको अपने जो हमने ये सांचे लिए हैं सोप के, इनमें हम डाल देंगे इसको। अब इसमें लास्ट में हम विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड करेंगे। तो ये हैं, दो कैप्सूल ऐड कर दीजिएगा। फेस के लिए बहुत अच्छा होता है कैप्सूल। इसको अच्छे से एक बार और मिक्स कर देंगे।
बच्चे लिए हैं इनमें हम इसको रख देंगे। इसमें पहले हम कोकोनट से इसको कोकोनट ऑयल से इसको हम ग्रीस कर देंगे अच्छे से। ये भी ग्रीस कर दिया, ये हमने डिस्पोजल कटोरी ली है इसको भी ऐड कर देंगे। अब हमने ये डाल दिया है, अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ही अपने रख के इसको ठंडा करेंगे। 5-6 घंटे बाद हम रिज़ल्ट देखेंगे कि हमारा सूप बना या नहीं बना, हम आपको दिखाएंगे। तो अब हमारे सूप को जमाए हुए 4 घंटे हो चुके हैं, तो हमने इसे रूम टेम्परेचर पे ही किया था और ये फ्रिज में नहीं रखा था। तो अब हम इसको निकाल के देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं ये सूप कि हमारा किस तरह से ये रेडी हुआ है। देखिए बहुत आराम से निकल जाता है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, ये घर का बना हुआ होममेड सूप है, इसमें हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया है, यहाँ तक कि कलर भी नहीं यूज़ किया है। उसकी जगह हमने हल्का सा नीम की पत्ती का 2-3 बूंद रस इसमें डाल दिया था जिससे ये एंटीबैक्टीरियल का भी वर्क करे। और एलोवेरा के यूज़ तो आप सबको पता ही हैं, अनगिनत हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती हैं और ये फेस पर निखार लाता है। तो हमने ये एलोवेरा का यूज़ किया और ये साबुन बनाया है और आप भी ऐसे ही यूज़ करिए इसको एलोवेरा का। और तो ये हमारा आज का वीडियो था, अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।